ओम आप्यायन्तु ममांगानि वात प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रिया च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय में कौन सा खंड हमारा आठवें अध्याय में खंड कौन सा खंड एक ही क्या एक तो हो गया था दो कौन से काम हो गया था और तीसरे खंड में हमने पांच मंत्र किए थे छठा रह गया था। ठीक है नहीं पांच का कमेंट्री भी हो गया था हाँ हाँ पांच को चार का हाँ सर चार अध्याय आठ खंड तीन मंत्र चार भाष्य समेत हो गया था और चार के अंत में उन्होंने कहा था सभ्यता करके कि इस ब्रह्म का एक नाम है सत्य। अब ब्रह्म सत्य तो हमको मालूम है पहले से तो इसलिए नाम क्यों बताया ऐसा सवाल खड़ा करके आचार्य ने भाष्य के अंत में बताया कि उपासना करनी है इसलिए उपासना की स्तुति करनी है कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपासना करनी है। ये सगुण ब्रह्म होने के नाते इसमें उपासना शब्द आता है हम ध्यान कर रहे हैं उसका तो ध्यान करने की स्तुति करने हमको माने ध्यान से ही प्राप्त होगा ये बताना है इसलिए उसका एक नाम भी बताया। तो हम लोग हमारे रोज के अनुभव से देखते हैं कि जब हमें ध्यान करना होता है हमें एक नाम की जरूरत पड़ जाती है। अब छांदोग्य में शुरू से ओंकार की बहुत महिमा हम लोगों ने सुनी पर वो थी अपनी ओंकार की महिमा उसको छोड़ कर के भी तो ब्रह्म के नाम हो सकते हैं तो इसलिए सत्य ब्रह्म सत्य बात ठीक है किंतु सत्य ये नाम बता दिया हमने उपासना करनी है इसलिए। अब उसके पांचवा मंत्र आ रहा है इस बैकग्राउंड पर तानि हवा एतानि त्रीणि अक्षराणि स ति यम इति तद यत सत तद अमृतम अथ यत्ति तन्मर्त्यम अथ यत् यम तेन उभे यच्छति यद अनेन उभे यच्छति तस्माद् यम। यहाँ तक एक वाक्य पूरा हो गया अहर अहर वा एवं विद स्वर्गम लोकम एति ये पिछले मंत्र में पीछे ही बता दिया था कि ये कहाँ पर स्वर्गम स्वर्गम लोकम एति तीसरे मंत्र में भी था इसी चैप्टर में कि रोज रात को ये ब्रह्म जानने वाला स्वर्ग जाता है। सब जाते होंगे पर उनको अज्ञान है पता नहीं है ये ज्ञान पूर्वक जाता है ब्रह्म से मिलता है आनंद होता है इसलिए उसका नाम स्वर्गलोक है ये बता दिया था। उसके यहाँ रिपीट कर रहे उपासना के अंत में उपासना का फल हमेशा बताया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या मजा किया और ये छांदोग्य की विशेषता हम बराबर देखते आ रहे कोई भी शब्द हो तो उसको तोड़ मरोड़ के अर्थ निकालना उसमें से
और अर्थ निकाल करके फिर कोई नया तत्व तो बता देना। तो अब यह सत्य शब्द है वो बोले तीन अक्षरों वाला ही है। कौन से तीन अक्षर हैं? स, त और यम। अब व्याकरण के कुछ नियम है बोलो या उच्चारण के लिए बोलो, त को न त न बोलते हुए ती बोला है, पर आचार्य हमको समझाएंगे कि ती नहीं है ये, त ही है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में उसी का उल्लेख ह्रस्व ती से किया गया। अगर ती दीर्घ होता तो फिर वही मेंटेन होना चाहिए था, एक बार दीर्घ ती बोला एक बार ह्रस्व ती बोला, यानी ये त शब्द है। सत्य में तई तो है ना, पर आधा तो है ना, मैंने पर तोड़ो सत्य है ना ये, तो इसलिए इसको ती बोला है। और तीसरा है यम, केवल इसमें तीन अक्षर हैं, स त और यम। अब ये जो स है ना, अब ये स क्या है? सत नहीं है ना, स त यम। तो पहला जो स है उसको सत मान लो। सत मान लो कैसा? सत ब्रह्म है ना, छांदोग्य के छठे अध्याय में छठा सातवा छोड़ के हम चले आए हैं ना, सदैव स्वमिदम् अग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम्। तो सत तो ब्रह्म का नाम ही है, तो स जो है ना यह सत है, और सत माने अमृत कह रहे, अमृत माने सत, ये ब्रह्म का नाम ही है। तो ये अगर निर्गुण ब्रह्म या ट्रांसेंडेंट रियलिटी मान लो तो त क्या है? बोले त जो है मर्त्य है। मर्त्य से कैसे समझेंगे हम? आज हमारे अनुभव में आने वाला ब्रह्म का मिथ्या रूप, इसको कह दिया मर्त्य, ये दुनिया। स माने सत, सत माने हृदय में जो अनुभव आता है ब्रह्म वो, तो माने बाहर जो हमको अनुभव में आती है वो दुनिया, क्योंकि वो भी ब्रह्म के रूप है ना, ब्रह्म भरा हुआ है ना। पीछे ये सिखाया हमको कि अनुभव वहां होगा पर वो विश्वव्यापी होगा, तो इसलिए तो माने उसका मिथ्या बोलो उसका रूप। तो बोला कि तो जो है वो मर्त्य है, यानी उपासना में सभी बताते जा रहे हैं कि जो यह लोक है ब्रह्म का ही रूप, पर वो मर्त्य लोक में, मर्त्य लोक वाला रूप है उसका। और यम जो है ना, यम क्या करता है? ये दोनों को निर्गुण ब्रह्म में मिला देता है, माने हृदय में भी ब्रह्म है बाहर भी वही है, ऐसा करके यम जो है वो दोनों को मिला देता है, दोनों का मिलन कर देता है, दोनों को कंट्रोल करता है, यम दोनों को कंट्रोल करता है। अब कह रहे हैं कि कंट्रोल करता है इसलिए तो यम है, वो यम होता है ना, यम यम नियम, तो यम का अर्थ कंट्रोल करना है, मजेदार होता है। देखो यम यद यम तेना उभे यच्छति, जो यम है वो दोनों को कंट्रोल करता है, यद अनेन उभे यच्छति तस्माद यम, ये दोनों को कंट्रोल करता है इसीलिए उसका नाम यम है। ये हो गया। अब ये सत्य नाम लेकर के इसके अर्थों से तत्जपस्तदर्थ वाहनम बोला है ना, तो ये इसका अर्थ है। अब जब हम उपासना करेंगे तो फिर हमें जो ज्ञान हो जाएगा, तो हम हर रोज जो है ना हर हर एवं भी इसको जानने वाला, और जानने वाला हमेशा माने उपासना करने वाला, इसकी इस प्रकार जान करके उपासना करने वाला हर हर वह स्वर्गलोक में थी, रोज रोज स्वर्गलोक में जाता है। ये उपासना बताने पर फल भी बता देते हैं। तो ये उपासना के अंग रूप में सत्य उसका नाम बताया, उसको फोड़ करके उसका अर्थ बताया,
और फिर कहा कि ऐसे जानकर के उपासना करेगा तो स्वर्गलोक में जाएगा रोज रोज। ठीक है, आचार्य कह रहे तानी हवा ये तानी ब्राह्मणों नामाक्षराणी त्रीणी, ब्रह्म के नाम के जो अक्षर हैं सिलेबस ये तीन है, एतानी स ती यम इति, पहले जैसे लिखा है ना वैसे बता दिया। फिर कह रहे हैं कि सकारा तकारो यम इति च, माने सकार कहते हैं ना अक्षर को हम, सकार तकार और यम, इकार तकार उच्चारणार्थ अनुबंध, इसमें जो ती है वो तो त के उच्चारण के लिए अनुबंध, माने ग्रामर का नियम बोलो या इसका चिपका हुआ है कुछ उच्चारणार्थ अनुबंध। रस्व नेव अक्षरेण पुनः प्रतिनिर्देशात, क्योंकि अगले लाइन में यति है ना रस्वती है, तो अगले लाइन में इसका रस्वती के रूप में उल्लेख हुआ है, इसलिए ये ई नहीं है, ई दीर्घ एक बार रस्व एक बार मतलब तय है, ये आचरण में समझ रहे उच्चारणार्थ अनुबंध रस्व नैव अक्षरेण पुनः प्रतिनिर्देश, अगले इसमें निर्देश उसका रस्वती से किया गया है इसलिए त ही अक्षर ही है। तेषां तत् तत्र उसमें उस अर्थ नाम के कॉन्टेक्स्ट में यत सत सकारा तद अमृतम सत ब्रह्म, यहाँ बोला जो सत है, सत्य मने स है जो वो सत ब्रह्म है, स है जो वो सत ब्रह्म है वो अमृत है, अमृत वाचकत्वात् अमृत एव सकारा, वो सदैव सौम्य करके अंत में जाकर के बताए भूमा है वही अमृत है, तो अमृत का नाम ही है वो सत्य, सत ब्रह्म तो अमृत का नाम ही है, अमृत है वो सकार है। तकारान तो निर्दिष्टा, यानी स ही सत्य है, स जो है तकारांत है, यानी स ही सत्य है, सत ब्रह्म का सत्य, ये स का विवेचन यहाँ पर पूरा हुआ, वो तकार नहीं है ये सतीयम का तकार नहीं, स ही तकारांत निर्देश है माने स ही सत है। अथ यत्ति, अब दूसरा लिया, अब जो रस्वती यानी तकारा तन मर्त्यम, अब इसको आचरण को एक्सप्लेन नहीं किया, तन मर्त्यम माने हम जानते हैं कि ये दुनिया जिसको बताते रहे हमेशा, ये दुनिया मर्त्य यानी ब्रह्म का बाहरी रूप। अथ यद यम अक्षरम तेन अक्षरेण अमृत मर्ताख्य पूर्वे उभे अक्षरे यच्छति यमयति नियमयति वशी करोति आत्मना इति अर्थ, यानी इन दोनों को निर्गुण ब्रह्म बोलो सगुण ब्रह्म बोलो या हृदय में अनुभव होने वाला ब्रह्म इंद्रियों से अनुभव होने वाला ब्रह्म, ये दोनों उसके कंट्रोल में आ जाते हैं यम अक्षर के द्वारा। यम अक्षर के द्वारा भीतर का ब्रह्म बाहर का ब्रह्म ये दोनों उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। यद यस्मद अनेन यम इति एतेन उभे यच्छति तस्मद यम, इसलिए उससे दोनों कंट्रोल हो जाते इसीलिए उसका नाम यम है। संयते इव हि एतेन यमा लक्ष्यते ब्रह्म नामाक्षरस्य अपि इदम्, तो ये संयते इव इव माने ये ऐसा कोई कंट्रोल करने की चीज नहीं, पर हाँ दोनों उसके वशीभूत हो गए, दोनों उसके आयत्त हो गए। इदम अमृतत्वादि धर्मवत्त महाभाग्यम किमुत नामवत इति उपास्यत्वाय स्तुयते ब्रह्म नाम निर्वचनेन एव, ब्रह्म का नाम सत्य बता करके उसका निर्वचनार्थ बताया गया, इसलिए कि नाम ही अगर अमृत है वो तो फिर ब्रह्म कितना होगा, नाम नाम ही अमृत होता है एक्चुअली, पर जब नाम ही अमृत है त
तब जिसका नाम है उसकी तो बात ही क्या है। धर्मवत महाभाग्यम किम तो नामवत नाम वाला इति उपास्य तो है सूयते, इसलिए उपासना करनी है तो उसको स्तुति करनी है। ब्रह्म नाम निर्वचन है नहीं वो नामवत वहां एति एवं वित जिसका नाम है ना उसके पास ही आ जाता है जानने वाला, जान के उपासना करने वाला जिसका यह नाम है उसके पास आ जाता है। अर अर वा एवं विद स्वर्गम लोकम इति इति उक्तार्थम आचरण के, तो पहले बता दिया हमने इसका अर्थ कि रोज रोज वो स्वर्गलोक में आ जाता है। सुषुप्ति की बात है वो, जिसको ज्ञान है वो तो पूरे आनंद में ही सोता है। फर्क है ना नींद नींद में। दूसरी दृष्टि से बताऊं मैं, नींद को तमोगुण का लक्षण माना गया है और नींद को सत्व रज तम में विभाजित भी किया गया है, मालूम है ना ये? नहीं, उठने पर देखो क्या होता है। जो उठा उठ करके नहा धो के ध्यान करूंगा तो सत्व गुण नींद थी तुम्हारी, और उठ करके क्या सब्जी बनानी है क्या करना है ये करना है तो रजोगुणी नींद, क्या एक्टिविटी करनी है आज दिन भर मुझे। घर में देखो किसी औरतें उठ के कहेंगे आज क्या सब्जी बनेगी, या हस्बैंड पूछेंगे क्या सब्जी है आज। और तीसरे नींद से उठे पर भी उठे ही नहीं है, अभी सोने की इच्छा है, अभी आलस्य है, अभी तंद्रा है, तो तमोगुणी नींद थी। ऐसे नींद के तीन प्रकार जगने पर जो होता है उससे दर बताएगा। अब इसमें चौथा जोड़ो क्या त्रिगुणातीत अगर नींद आए तो कितनी खुशी से वो उठेगा, उठ करके खुश। वो कह रही है तो मालूम हुआ कि खूब आनंद से सो जाते हैं। आनंद से सभी सोते हैं पर ये ज्ञान में आनंद से सो जाता ना, ज्ञान अच्छा उसका अनुभव उसको ज्ञान में हो रहा था तो खूब ही खुशी। चलो अब चतुर्थ खंड में जाते हैं। अभी देखो जब हम कुछ भी लो हम ठाकुर का ध्यान करते हैं, नाम होता है हमारे पास, ठाकुर का रूप भी होता है, और नहीं तो निराकार का ध्यान करते हैं वो एक अविशिष्ट रूप ही है ठाकुर का, परंतु मुख्यतः तो ठाकुर का ध्यान हम क्यों करते हैं, ठाकुर के गुण होते हैं सारे। ईश्वर को जो भी सोचता है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम कारुणिक दयावान, तब हम ध्यान कर पाते हैं ना। तो इसलिए शुरू में ही कह दिया कि निर्गुण वाले अलग निकाल दो, बस उनकी रियलिटी ब्रह्म, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, स्पेस की भी जरूरत नहीं। पर साधारण में जो ध्यान करता है उसमें नाम रूप और गुण होते हैं। अभी उपनिषद है, उपनिषद में उस तरह के गुण बताए जाएंगे। अब ये गुण अगर गुणों को सोचने के दो प्रकार, पर्टिकुलर गुण आते हैं मन में, या फिर जैसे शिव हिमन में बोला है अरे तेरे गुण ही अनंत है, उसके अनुभव से तो ठाकुर को बेहोशी हो गई थी। असित गिरी से वो सेहत में तो इसलिए अब आत्मा की एक क्वालिटीज होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, आत्मा क्या है उसके लिए चतुर्थ खंड है। अतः यह आत्मा सेतु विद्रुति एशाम लोकानाम असंभेदाय न एतम सेतुम
अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते अपात पापमा ही एष ब्रह्मलोकः। पहला उसका गुण क्या है, यही आत्मा है, ये हमारा बीइंग है, ये गुण। और ये क्या है, सेतु माने हमेशा पुल मत लो तुम, हाँ सेतु का नॉर्मल ऐसा पुल होता है, पर नदी पर एक बांध होता है डैम, और बांध क्या करता है, बांध अगर न हो तो बाढ़ आ जाती है, नदी बिगड़ जाती है, दूर दूर चली जाती है। तो ये बांध है, विद्रुति है। मन में कल्पना करो ब्रह्म का रूप है दुनिया, कल्पना करो ब्रह्म निकल गए यहां से तो दुनिया का क्या होगा बताओ, नहीं कल्पना नहीं आती, अरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, बिखर जाएगी, निकल जाएगी। सूत्र मणिकर्ण बोला है भगवान ने, ब्रह्म ने इस दुनिया को पकड़ के रखा है, ब्रह्म का रूप है दुनिया मानते हैं, पर इसको हम क्वालिटेटिवली देखना चाहते हैं तो ब्रह्म एक ऐसा डैम है जो उसने नदी को पकड़ रखा है। विद्रुति माने धारण करने वाला, पक्का धारण करने वाला, एशाम लोका नाम। ये जो 14 भुवन बोलो, स्वर्ग मृत्यु पाताल बोलो, पूरी दुनिया बोलो, इसको धारण किया हुआ है, ये ब्रह्म के क्वालिफिकेशन है, बताइए। असंभेदाय, असंभेदाय मैंने वही डिसइंटीग्रेट न हो इसलिए, संभेद माने टूट गया बिखर गया, ऐसा न हो इसलिए इसको धारण करने वाला ब्रह्म है। अभी ध्यान का एक विधि नहीं हो गया, ब्रह्म क्या है, ठाकुर क्या है, तुम्हारे कहने में तुम त्रिभुवन के आधार हो राम कृष्ण भगवान, ये त्रिभुवन के आधार है, ठीक है। अभी पारे ना सबके, सबके पारे का वर्णन सुनो, न एतम सेतुम, ये जो डैमेज को अहोरात्रे तरतो, तरतो का अर्थ जगह क्रॉस करने की तो बात ही मत करो, क्रॉस करना नहीं है यहाँ, तरतो माने वहां तक पहुंचना है। अब दिन और रात तो पूरी दुनिया को पकड़े मैंने व्याप्त किए हुए ना, पर ये दिन और रात वहां तक नहीं पहुंचते, बुढ़ापा वहां नहीं पहुंचता। पहले जो ब्रह्म बताए थे ना, आज रहे हमारे, उसको बता रहे बुढ़ापा वहां नहीं पहुंचता, मृत्यु वहां नहीं पहुंचती, शोक वहां नहीं पहुंचता, तुम्हारा भला बुरा पाप पुण्य वहां नहीं पहुंचता, बियॉन्ड ऑल है। अब पाप जीतने, पाप ने पाप पुण्य वो वहां से लौट आते हैं, वह तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य होने से निर्गुण का वर्णन होता है, इसका वर्णन है कि पाप वहां से लौट आते, पाप भी नहीं पहुंच पाते वहां पर, पुण्य पाप कुछ नहीं पहुंच पाते, ये कैरेक्टरिस्टिक बताइए ध्यान करने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिफिकेशन ऑफ ब्रह्मन फॉर मेडिटेशन, अपात पापमा यश, क्योंकि ये तो पाप से दूर है ही, पहले बता दिया है, यश ब्रह्मलोक। अब ये ब्रह्म को हम ब्रह्मलोक कह रहे, मैंने प्राप्ति के हिसाब से लोग कहते हैं उसको, ये ब्रह्मलोक, ये चतुर्थ खंड का पहला मंत्र, ये सारा इसमें वर्णन ना धारणा करने पर बड़ा थ्रिलिंग लगता है। अथ ये आत्मा इति उक्त लक्षणों या संप्रसादा, इसका पुराना नाम संप्रसाद या था ना,
कि जो जान करके खुशी खुशी में सोता है, वो संप्रसाद बोला था। तस्य स्वरूपम वक्षमाणैर उक्तैर अनुक्तैश्च गुणैः पुनः सूयते। पहले जो गुण बताए होंगे, नहीं भी बताए होंगे, वो सब गुण बता करके उसकी स्तुति की जा रही है। जो संप्रसाद है ब्रह्म, उसके पहले भी कुछ गुण बताए होंगे, वो दोबारा बताएंगे, और कुछ बिना बताए भी बताएंगे, स्तुति कर रहे उसकी, उन्हें ध्यान करने के लिए हमारे मन में ला रहे हैं। ब्रह्मचर्य साधन संबंधार्थम, अभी एक चीज आचार्य रिपीट करते जा रहे, हमारे दर्शन हुआ ही नहीं उसका अभी तक। ब्रह्मचर्य साधना भी बताया ही नहीं है, पर उपासना जो कोई आदमी नहीं कर सकता, जो ब्रह्मचर्य जिसने साधन किया हुआ है वो ही कर सकता है, ये बाद में बताएंगे। तो ब्रह्मचर्य साधन के साथ कनेक्शन लगाना है, इसलिए पूर्वी पुराने गुण नए गुण सब बताए जा रहे हैं। ये से यथोक्त लक्षण आत्मा स सेतु रिव सेतु, सेतु मैंने एक्चुअली कोई डैम नहीं है ये, पर डैम जैसा विभूति विधरण पकड़ने वाला, अनेन ही सर्वम जगत वर्णाश्रमादि क्रिया कारक फलादि भेद नियमय कर्तु अनुरूपम विदधता विद्रुतम। इस ब्रह्म के आधार पर ही वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण इस ब्रह्म के आधार पर ही सारी दुनिया का सोशल लॉज एवरीथिंग, दुनिया जो टिकी हुई है इसके आधार पर। आद्रियमानम ही ईश्वरेण इदम विश्वम विनश्येत यथा तस्मात् स सेतुर विद्रुति। ये सारा ही वर्णाश्रम धर्म इत्यादि इत्यादि दुनिया को पकड़ रखने वाले नियम ईश्वर ने पकड़े हुए, अगर ईश्वर छोड़ दे तो टूट जाए, बिखर जाए। किमर्थम से सेतु रीति, क्यों ये डैम है, किस लिए? ऐशाम भूरादि नाम लोका नाम, लोक माने भूरव स्वासव लोक, कर्तृ कर्म फलाश्रयाणाम, ये कर्ता जो है कर्म करके फल रूप में मिलते हैं जो लोग, असंभेदाय अविदारणाय अविनाशाय इति एतत्, ये टूट के बिखर न जाए इसलिए ये डैम है। किम विशिष्ट असो सेतु रीति आह, और क्या है इस डैम की क्वालिटीज? नयतम सेतुम आत्मानम अहोरात्रे सर्वस्य जनिमता परिच्छेद के सती नैतम तरता। जनिमता मैंने जन्म लेने वाली जितनी चीजें हैं वो दिन और रात से अफेक्टेड है, मैंने उनके कालक्रम दिन और रात से चलता है, पर ये वहां तक नहीं पहुंचते। यथा अन्य संसारिणा काले न अवरात्रादि लक्षण है न परिच्छेद, जितने संसारी लोग हैं उनकी आयु हम दिन और रात में गिन लेते हैं, न तथा अयम काल परिच्छेद अभिप्राय, इस पर टाइम का प्रभाव नहीं होता है, कहने के लिए कहा दिन और रात नहीं पहुंचते। काल का यूनिट जो है ना, बाकी यूनिट बनाते हैं हम घंटा वंटा महीना, पर दिन और रात ये बोटा स्वाभाविक यूनिट है काल, तो ये काल माने दिन और रात माने काल, ये काल से परिच्छेद नहीं है इति अभिप्राय। गुरुदारण को बोला है यस्माद अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तते, संवत्सर जो है दिन और रात के साथ घूमता है, उसके नीचे की बात है, वहां तक नहीं है। इति श्रुत्यंतर अतएव एनम न जरा तरती न प्राप्नोती, इसलिए बुढ़ापा भी आने काल का प्रभाव नहीं होता, इसलिए बुढ़ापा भी नहीं पहुंचता। न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम, सुकृते दुष्कृते माने धर्माधर्म, पुण्य पाप धर्माधर्म को सुकृत दुष्कृत कहते हैं। प्राप्तिरत्र तरण शब्द न अभिप्रेता न अतिक्रमणम, बोले तरण शब्द माने
नॉर्मली तरण का अर्थ होता है समुद्र नदी पार कर गया, वो अर्थ नहीं यहाँ पर, वहां तक पहुंचना ही इसका अर्थ है। कारणम ही आत्मा, सबका कारण है ना आत्मा, तो आत्मा तक जो पहुंचेगा वो आत्मा में विलय हो जाएगा, उसका तो आगे कैसे जाएगा, वो वही खत्म हो जाएगा। न शक्य में कारण अतिक्रमणम कर्तुम कार्य है ना, जो भी कार्य है प्रोडक्ट है वो कारण का अतिक्रमण कभी कर ही नहीं सकता। अवरात्रादि च सर्वम सता कार्य, अवरात्र सुकृत दुष्कृत जरा मृत्यु ये सब सद ब्रह्म के कार्य हैं। अन्य न ही अन्य से प्राप्ति अतिक्रमण वा क्रियत, पहुंचना बोलो पार करना बोलो, एक कोई दूसरी चीज है वो तो उसको पार कर सकती है या वहां तक पहुंच सकती है, नहीं न तो ते नहीं वो तस्य, खुद ही कितना पहुंचेगा कि क्या और पार भी क्या करेगा। नहीं घटे न मृत प्राप्य थे अतिक्रम्य देवा, घड़ा मिट्टी तक पहुंचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, पार तो क्या करेगा। इसमें जो कार्य होता है वो करण तक जाके खत्म हो जाता है, उसके पार क्या जाएगा, करण को पाएगा ही भी नहीं, उसके पहले खत्म हो जाएगा। यद्यपि पूर्वम यह आत्मा अपत पापमा इत्यादि ना पापमादि प्रतिषेध उगते है वह, अभी तो दो तीन बार हो गया अपत पापमा पहले आ गया है, तथापि यह अयम विशेषो न तरती इति प्राप्ति विषयत्व प्रतिषिध्यते, यहाँ पर इस रूप में बताया जा रहा है कि वहां तक पहुंचता ही नहीं हो। तत्र अविशेषेण जरादि अभाव मात्र उत्तम, पहले तो जरा नहीं होती बस इतना बता दिया था, अब करे जरा वहां तक पहुंचती ही नहीं। अवरात्राद्या उक्ता अनुक्ताश्च अन्य, अवरात्र पहले बताए, बिना बताए भी जो है सर्वे पापमा न उच्चन्ते, ये सभी पाप कहलाते हैं। अवरात्र बोलो जो भी बोलो ये सब पुण्य पाप के कारण होते हैं। अतो अस्माद आत्मना सेतोर निवर्तन्ते अप्राप्य वैतरता, ये आत्मा रूपी डैम तक पहुंचने के पहले वापिस आ जाते हैं। अपात पापमा यश ब्रह्म एव ब्रह्म एव ब्रह्म लोको ब्रह्म लोको उक्ता, ब्रह्म को यहाँ पर ब्रह्म लोक कह के कह दिया है। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ब्रह्म का, ब्रह्मज्ञ का, सगुण ब्रह्म की भी प्राप्ति अगर हुई ब्रह्मलोक भी गया, उसमें क्या चेंजेस आते हैं मरने के समय। अब जगने के समय भी आते होंगे, मरने के पहले भी प्राप्ति है ना, ये मान तस्माद वा एतम सेतुम तीर्त्वा अंधा सन आनंदो भवति विद्यासन अविद्धो भवति उपतापी सन अनुपतापी भवति तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वापि नक्तम अहरेव अभिनिष्पद्यते सकृद् विभातो हि एव एष ब्रह्मलोका। शबाश, अब तीर्थ हमने पहुंचना है वहां पर, ये चीज नहीं पहुंच रही पर साधक तो पहुंच रहे ना, तो साधक जब वहां पहुंच जाता है अगर वो अंधा हो तो बिना अंधा हो जाता है, अरे वो सर्वज्ञ होता है सब कुछ देखता है ब्रह्म हो जाता है तो अंधा कहां से रहेगा। अभी मरने के बाद ब्रह्मलोक पा गया तब भी बोलो, मैं तो कहता हूँ ज्ञान अगर इसको हो गया तो अभी भी ऐसे ही। बाहर का उदाहरण देखना है तो सूरदास जी अंधे थे ना, उनको भगवान के दर्शन होते थे कि नहीं बोलो, होते थे कि नहीं प्रत्यक्ष दर्शन, तो अंधा होगा तो भी अंधापन हट जाएगा उसका, मैंने फल के द्वारा
स्तुति करना फल के द्वारा स्वरूप समझाना होता है। ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है? अंधा होगा तो भी हो, आंख वाला हो जाएगा, विद्या सन अविद्या भवती। अगर इसका कोई हाथ पैर कटा हो, लूला लंगड़ा हो, तो लूला लंगड़ा नहीं रहेगा, ये पूरा हो जाएगा। उपतापी, उपतापी माने बार बार उसको फिर बुखार आता था, ऐसा कोई बीमार आदमी हो वो भी बीमार नहीं रहेगा। शरीर के धर्म भी नहीं रहेंगे, इंद्रियों के धर्म भी नहीं रहेंगे, मन के धर्म भी नहीं रहेंगे। अब ये बोला था कि रात दिन नहीं है वहां पर, रात भी दिन हो जाएगी, माने ब्रह्म ज्योति जो है ना वो हमेशा के लिए जगे रहती है। रात कहां से आई वहां? ये ज्ञान इसका कवि क्या है नहीं, निरंतर का सूत्र है, नो देती नास्ता माया थी संवितेशा स्वयं प्रभा। उसमें उदय अस्त नहीं है, उसके ज्ञान में उदय अस्त नहीं, माने हमेशा उदय ही है, सूर्य हमेशा ही है, ज्योति उसके हमेशा ही है। तो कह रहे जो रात है ना वो भी दिन हो जाए, बदल जाएगी दिन में, क्योंकि ये ब्रह्म जो है ना सकृत विभा तो है, हमेशा शाइनिंग है। आचार्य कह रहे यस्मात् च पापम कार्यम अंध्यादि शरीरवता स्याद, ये तो पाप के कार्य ना अंधा होना वगैरह, न तो अशरीरस्य, जिसका शरीर ही नहीं है उसमें ये कहां से आएंगे। तस्मात् वा एतम आत्मानं सेतुं तीर्त्वा, तो तीर्त्वा का अर्थ प्राप्य लेना, यहाँ पर आनंदो भवति देहवत्वे पूर्वम अंधो अपि सन, मैंने जब तक देहवान था, अब ये देहवान दोनों अर्थों में लेते हैं, देह था मर गया ये अर्थ लेते, देह बुद्धि थी, देह बुद्धि नहीं है ये भी अर्थ है उसमें, जब तक वो देह वाला था तब तक अंधा भी था, अब नहीं रहेगा। तथा विद्या सन देहवत्वे स देह वियोगे सेतुम प्राप्य, अभी दो भवति, और कोई लंगड़ा लूला हो देह था तब, अब देह छोड़ दिया उसने तो ये भी नहीं है। तथा उपतापी रोगादि उपतापवान, रोगादि होने से जो तपता था वान सन अनुपतापी बहुत ही, अब नहीं होगा उसको। किंच यस्मात् अहोरात्र नस्ता सेतु, क्योंकि उसमें रात दिन नहीं है उस सेतु में, तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्त्वा, इसलिए साधक अगर वहां पहुंच गया प्राप्य नक्तम अपि तमो रूपम रात्रिरपि सर्वम अहरेशा अभिनिष्पद्यते, तमोगुण रूपी रात भी अंधकार रूपी रात भी या दिन हो जाएगी। विज्ञप्ति आत्मज्योति स्वरूपम अहर इवा, यहाँ दिन का अर्थ होता है आत्मज्योति का जो ज्ञान विज्ञप्ति चेतना मात्र, उसको ही यहाँ दिन बोला है। सदा एक रूपम विदुषा संपद्यते इति अर्थ है, विद्वान के लिए हमेशा ये दिन ही है। सकृत विभाता सदा विभाता सदा एक रूपा स्वयं रूपेण एष ब्रह्म, हमेशा अपने स्वरूप में ही धामना स्वयं सदा निरस्त को, हम भागवत में रोज बोल रहे अपने स्वरूप में जिसने रात मिटा दी है वो, उस सत्य का हम ध्यान करते सत्यम परम धीमे। तद्य एव एतम ब्रह्मलोकम।
ब्रह्मचर्येण अनुविंदन्ति तेषां एव एष ब्रह्मलोका तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अब पहले बताए हुए सारे फल इसी में जोड़ रहे हैं, लास्ट में बताए ये जो ब्रह्मलोक अभी तक बताया ब्रह्मचर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है, उन्हीं का यह ब्रह्मलोक है जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया है, और उन्हीं के लिए कहा जाता है कि वह जहां जिस लोक में जाना चाहेंगे जाएंगे, उन्हीं के लिए कहा जाता है। अब इसका वर्णन अगले खंड में आएगा, सूत्रित कर दिया यहां पर। पहले बता दिया था ना वो पंचाग्नि विद्या वाले और जो वानप्रस्थी दंडी स्वामी नैष्ठिक ब्रह्मचारी वहां सब डिस्कस किए थे, वे ब्रह्मलोक में जाते हैं ना। अभी गृहस्थ है किंतु पंचाग्नि विद्या से वैराग्यवान हो गया, वो भी ब्रह्मचारी हो गया। ठाकुर की टीचिंग के साथ जोड़ सकते हो, दो एक बेटा बेटी होने के बाद भाई बहन जैसा रहे और सब गृहस्थों को आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा। तत्र एवं यथोक्तम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण आचार्य ब्रह्मचर्य को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, स्त्री विषय तृष्णा त्यागेन, स्त्री संबंधी इच्छा को छोड़ना। शास्त्राचार्य उपदेशम अनुविंदन्ति और शास्त्र और गुरु ने उसको सिखाया है तब इसको पाता है, वो ब्रह्मचर्य से पाता है माने स्त्री विषय इच्छा छोड़ करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार पाता है। स्वात्म संवेद्यता आपादयन्ति, ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, वो अपने अनुभव में बदल लेता है उसको। ब्रह्म सूत्रों के पहले सूत्र के भाष्य में आचार्य ने कहा ये, जो ये पागल लोग कहते हैं ना मिस्टेक एक्सपेरिमेंट डोंट एक्सपेक्ट, उनके मुंह पे ये वाक्य मारो। मेरे गुरुजी का इतना पेट वाक्य था ये, कई बार बोलते रहते थे, क्रम बदल के सुना मैंने उनको। भूत वस्तु विषयत्वात् अनुभव अवसानत्वात् च ब्रह्म ज्ञानस्य, ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र के भाष्य में आचार्य का वाक्य। अरे ब्रह्म कोई चीज बनानी नहीं हमको, है ब्रह्म, हमें मालूम है ब्रह्म है, परंतु ये जो मालूम है ये अनुभव में परिणत करना, ये ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप ये है कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म में मालूम है, उसको अनुभव में परिणत करना। अनुभव अवसानत्वात् मालूम है तो क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं फायदा हुआ, सबको मालूम है हमारा स्वरूप ब्रह्म है, फिर जो मालूम है इसको अनुभव में परिणत करना, यह ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। डोंट एक्सपेक्ट एनी मिस्टेक। अच्छा क्रे बिना परोक्षानुभव ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। खैर तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, एक बार और बताया था यहाँ पर भी, स्वात्म संवेद्यताम आपादयन्ति, अपने आप उसका अनुभव कर लेना ये हो जाता है उनका। शास्त्र से गुरु से सुना, ब्रह्मचर्यादि से पालन किया और उनको अपना खुद अनुभव हो गया वैसा, ते ये तेषामेव ब्रह्मचार्य साधनवतान ब्रह्मविदान एष ब्रह्मलोक, ब्रह्मचर्य इत्यादि का साधन करने वाले उन्हीं का, जिन्होंने अनुभव कर लिया है उन्हीं का यह ब्रह्मलोक है। नान्यशाम स्त्री विषय संपर्क जात तृष्णा नाम ब्रह्म
इदम अपि इत्यर्थ। ब्रह्म इदम अपि माने ब्रह्म जान लिया हमने इंटेलेक्चुअली या कैसे भी, अगर श्री विषय तृष्णा है हमें तो नहीं होगा। ऐसे ब्रह्म के बहुत होते हैं। तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति उक्तार्थम्, ये तो पहले बताई दिया आचार्य कह रहे। तस्मात् परम एतत् साधनम ब्रह्मचर्यम ब्रह्म इदम् इति अभिप्राय, इसलिए ब्रह्म जानने वालों के लिए परम साधन ब्रह्मचर्य है, ये इसका अभिप्राय है। पंचम खंड। अथ यद् यज्ञम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्। ब्रह्मचर्येण हि एव यो ज्ञाता तं विन्दते। अथ यद् इष्टम् इति आचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्। ब्रह्मचर्येण हि इष्ट्वा आत्मानं अनुविंदते। बोले जिसको यज्ञ कहते हैं ना वो ब्रह्मचर्य ही है, यानी ब्रह्मचर्य के बिना यज्ञ करने वाले को कोई फल नहीं मिलेगा, यही इसका अर्थ हो रहा है। और ब्रह्मचर्य पालन करेगा उसको यज्ञ भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी इसका अर्थ हो रहा है। तो जिसको यज्ञ कहा, बोले यज्ञ कहा ही क्यों, अरे कर्मी लोग तो सोचते हैं कि यज्ञ से हमको सब कुछ मिलता है, इसको ब्रह्मचर्य से मिलता है सब कुछ। ऐसी ब्रह्मचर्य के अनेक नाम लेकर के स्तुति की जाएगी यहाँ पर। बोले ब्रह्मचर्य जो जो ज्ञाता है वो तो ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ये फल पाता है ब्रह्मलोक वाला, इसलिए यज्ञ करने से क्या होगा, ब्रह्मचर्य पालन करो और ज्ञान प्राप्त करो उपासना के द्वारा। अब हवन का ही एक प्रकार है, बोलो इष्ट, इष्ट वैदिक हवन को ही कहते हैं ना, तो कहले इष्ट जिसको बोला है वो भी ब्रह्मचर्य है। क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही इष्ट, इष्ट माने पूजन के अर्थ में लिया चौजन डीटी है, तो ये जो इष्ट है माने भजन पूजन, ये भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी ही ये यजन पूजन करेगा तो भगवान को पाएगा, नहीं करेगा तो भी पाएगा, ब्रह्मचारी पाएगा, इसलिए इष्ट भी ब्रह्मचर्य है। ऐसा ये चैप्टर चलेगा ना, बहुत सारे नाम लेकर के ये भी ब्रह्मचर्य, ये भी ब्रह्मचर्य, ये भी ब्रह्मचर्य, ये भी ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक के सुखोपभोग का वर्णन आएगा फिगर इट इस चैप्टर में। तब ये नहीं छठे खंड तक जाएगा, ये ब्रह्मलोक का जो शुरू किया पहले खंड से आठवें अध्याय में ये छह खंड तक जाएगा। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।